एन इक्लिप्स इज द कर्व ऑप्टेंड वन अ कोन इज कट बाय एन इंक्लाइन प्लेन कह रहा है कि एक इक्लिप्स वो कर्व है जब हम एक कोन को किसी इंक्लाइन प्लेन से काटते हैं ठीक है ठेके? तो जो हमें कर्व मिलती है वो क्या मिलती है वो इक्लिप्स मिलती है ठीक है इट हैज टू फोकल पॉइंट्स कह रहा है इक्लिप्स के दो फोकल पॉइंट्स होते हैं द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द टू फोकल पॉइंट्स फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज कॉन्स्टेंट ठीक है कह रहा है कि कर्व पे किसी भी पॉइंट से उसकी फोकल पॉइंट्स के डिस्टेंस का जो सम है वो क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है ठीक एफ वन एंड एफ टू आर द टू फोकल पॉइंट्स ऑफ द इक्लिप्स ठीक है एफ वन और एफ टू क्या है हमारा दो फोकल पॉइंट्स है इक्लिप्स का जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं ठीक है द देशेड एरिया सी एफ वन डी दरिया ए एफ वन बी कह रहा है कि जो सेडेड एरिया सी एफ वन डी है ये जो हमारा सेडेड एरिया सी एफ वन डी ठीक है वो कितना है वो ट्वाइस है एरिया ए एफ वन डी के ठीक है ये जो हमारा एरिया सेकेंड एरिया है ए एफ वन डी के उसके ट्वाइस है ओके okay. आगे कह रहा है टी वन इज द टाइम टेकन बाय द प्लान टू मूव फ्रॉम सी टू डी ठीक है सी टू डी जब प्लानट जा रहा है तो टाइम उसे कितना लग रहा है टी वन लग रहा है एंड टी टू इज द टाइम टू मूव फ्रॉम ए टू बी और ए से भी जाने में टाइम कितना लग रहा है टी टू लग रहा है ठीक है आगे हमसे क्वेश्चन में कह रहा है स्टेट द लॉ रिगार्डिंग एरिया स्वेप बाय द लाइन ज्वाइनिंग द प्लानट एंड द सन ठीक है तो हमें पता है कि जो एरिया स्वेप्ट का लॉ था वो क्या था कैपुलर सेकेंड लॉ दैट इज लॉ ऑफ एरिया ठीक है तो हमें कह रहा है कि उस लॉ को हमें स्टेट करना है ठीक है तो लॉ इसे से क्या कह सकते हैं लॉ ऑफ एरिया ठीक है हमें इसे डिफाइन करनी है ठीक है तो केपलर सेकेंड लॉ क्या था द लाइन दैट ज्वाइन एनी प्लान टू द सन स्विप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम करेक्ट सो इससे हमें डिफाइन स्टेट करेंगे तो Okay, I second law: the line that the line that joins any planet joins any planet to the sun to the sun sweeps equal areas sweeps equal areas in क्वल इंटरवल्थ okay. so, law law okay. से लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स कवर हो सकता है आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर